हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैडमिंटन में एक अंपायर किसी प्लेयर को कब येलो कार्ड, रेड कार्ड या ब्लैक कार्ड देते हैं। सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप वीडियो पे लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल 16.1 के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट सर्विस से लेकर मैच को तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक रूल 16.2 के अकॉर्डिंग कोई इंटरवल या रूल 16.3 के अकॉर्डिंग अंपायर द्वारा कोई सस्पेंशन नहीं दिया गया हो। तो रूल 16.2 के अकॉर्डिंग है इंटरवल, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है कि 11 पॉइंट के बाद आपको 60 सेकेंड का ब्रेक दिया जाता है, इससे ज़्यादा आपको डिले नहीं करना है। और सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड गेम के बाद आपको 120 सेकंड का ब्रेक मिलता है, इससे ज़्यादा आपको डिले नहीं करना है। रूल 16.3 के अकॉर्डिंग है सस्पेंशन ऑफ प्ले, जिसका फर्स्ट पॉइंट है जब सर्कमस्टेंस प्लेयर के कंट्रोल पे ना हो तो उस कंडीशन में अंपायर गेम को कुछ देर के लिए सस्पेंड कर सकते हैं। जैसे खेलते टाइम अगर किसी प्लेयर को अपने रैकेट से चोट लग जाए या फिर लेग ट्विस्ट हो जाए, तो इस कंडीशन में अंपायर उस मैच को थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर सकते हैं। सेकेंड है, स्पेशल सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंग रेफरी अंपायर को मैच को कुछ देर के लिए सस्पेंड करने के लिए बोल सकते हैं। जैसे पैरा गेम में व्हीलचेयर या अदर इक्विपमेंट खराब होने पर अंपायर उस मैच को थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर सकते हैं ताकि प्लेयर अपने इक्विपमेंट को ठीक कर सके। थर्ड पॉइंट है, मैच सस्पेंड से पहले आपका एग्जिस्टिंग स्कोर जो भी था, आफ्टर सस्पेंडिंग आपका स्कोर सेम ही रहेगा। रूल 16.4 के अकॉर्डिंग है डिले इन प्ले, जिसका फर्स्ट पॉइंट है गेम के टाइम पे प्लेयर किसी भी स्ट्रेंथ, ब्रीथिंग या किसी भी एडवाइस के लिए गेम को डिले नहीं कर सकता। Give a yellow card. Paulina Marin, warning for misconduct. सेकेंड पॉइंट है कि अंपायर इस मैच का शोल जज है, तो वही डिसाइड करेंगे कि मैच में कितने देर का डिले देना है या नहीं। रूल 16.5 है एडवाइस एंड लीविंग द कोर्ट, जिसका फर्स्ट पॉइंट है कि जब शटल नॉट इन प्ले है तब कोई प्लेयर किसी से एडवाइस ले सकता है। सेकेंड पॉइंट है, प्लेयर बिना अंपायर के परमिशन के कोर्ट को लीव नहीं कर सकता जब तक कि इंटरवल ना हो। रूल 16.6 के अकॉर्डिंग है एक प्लेयर को नहीं करना है, इसका फर्स्ट पॉइंट है कि प्लेयर को मैच को किसी भी हाल पे डिले नहीं करना है। कैरोलिना मरिन, फॉल्ट फॉर मिसकंडक्ट। इसका सेकंड पॉइंट है कि आपको शटल को किसी तरीके से मॉडिफाई या डैमेज नहीं करना है। थर्ड पॉइंट है, आपको किसी ऑफेंसिव या गलत तरीके के बिहेव नहीं करना है। और फोर्थ पॉइंट है, आपको किसी तरीके के मिसकंडक्ट नहीं करना है। रूल 16.7 के अकॉर्डिंग है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रीच, जिसका फर्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई प्लेयर रूल 16.4, 16.5 और 16.6 के अकॉर्डिंग कोई भी मिसबिहेव करता है तो अंपायर इस कंडीशन में आपको वार्निंग देता है, जिसमें वो आपको एक येल्लो कार्ड शो करते हैं। वार्निंग फॉर मिसकंडक्ट। प्रीवियस वार्निंग के बाद अगर प्लेयर सेम तरीके का बिहेव रखता है तो अंपायर उसको रेड कार्ड शो करते हैं। फॉल्ट फॉर मिसकंडक्ट। रेड कार्ड शो होने के बाद अगर प्लेयर का बिहेवियर सेम ही रहता है तो इस कंडीशन में अंपायर उसको ब्लैक कार्ड भी शो करते हैं। इमीडिएटली अंपायर उस टाइम पे रेफरी को भी बुलाते हैं, जो कि उस प्लेयर को डिस्क्वालीफाई करने के भी बिल्कुल पावर रखते हैं। डिस्क्वालीफाई फॉर मिसकंडक्ट। ओके। तो आई थिंक दोस्तों, आपको इस वीडियो से इतना तो पता चल गया होगा कि आपको अंपायर कब एक येलो कार्ड, रेड कार्ड या ब्लैक कार्ड शो करते हैं।
तो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो पर, तब तक आप अपना ध्यान रखें और सेफ रहें।